नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है ये सोमवार का दिन, सोमवार सब सावन सोमवार की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और जो है आज मैं मंदिर गई थी पूजा करने, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है मैं हर मंडे को मंदिर जाती हूँ। तो मैं मंदिर नहा धो करके गई, नाश्ता वास्ता बना करके, उसके बाद फिर आई, घर का काम वाम किया, नाश्ता वास्ता किया। तो फिर मैं दोपहर, ये 12 बजे का समय है, और मैं चली खाना बनाने, क्योंकि टाइम हो रहा है खाना बनाने का। तो मैंने मूंग की दाल चढ़ा दिया है और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की सब्जी। तो कढ़ी अरबी के पत्तों की कढ़ी बनाने जा रही हूँ, और पकौड़े भी साथ साथ, पकौड़े वाली कढ़ी, मतलब पकौड़े वाली कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अरबी के पत्तों को अच्छे से धो लिया है, साफ़ करके काट लिया है बारीक बारीक, और मैं रात को उड़द की दाल मैंने भिगा दिया था, सो सुबह पीस लिया है मैंने, तो वही मैं डाल दी। हम लोग जो है ना, इसको उड़द की दाल में ही बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसको इड़हर बोला जाता है। तो मैंने ये सब्ज़ी वहीं से बनानी सीखी है, हम वहीं रहते हैं ना, मेरा मायके छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्त, जो भी दोस्त मेरे वहाँ के दोस्त मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मुझे, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कहाँ से हैं। तो ये देखिए, आज मेरी कढ़ी बन रही है, इड़हर बन रहा है, मतलब अरबी के पत्तों की इड़हर बना रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा सब तैयारी हो गया है, तेल थोड़ा कम हो गया था, तो देखिए मैं नीचे से एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ। ज़्यादा तेल रहता है ना, तो मैं यूज़ भर का थोड़ा थोड़ा निकाल करके बाहर रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि जूठा मीठा ना हो जाए। बाकी मैं नीचे अलग से रखती हूँ, वही मैं निकाल रही थी, मेरा तेल कम हो गया है। तो अब मैं पकौड़े छानूंगी, मेरा क्या उसमें मिक्स किया था उड़द की दाल पीस करके, और नमक और कुछ भी नहीं, और अच्छे से फेंट लिया था, और बस उसी के पकौड़े मैंने पकौड़े ही बनाऊंगी। वैसे तो इसको और भी अलग तरीके से भी बनाते हैं, अगली बार मैं कभी शेयर करूंगी तो वैसा बनाऊंगी, रोल करके और फिर फ्राई करके बनाते हैं ना इड़हर, वैसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। तो अब मैं जो है ना, थोड़ा शॉर्टकट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी था और ये थोड़ा सा, तो मैं आज यही बना रही हूँ। तो देखिए, मेरा इधर चावल चढ़ा है, उधर मूंग की दाल चढ़ी है, और इधर मेरा जो है ये सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। तो देखिए, मैं पकौड़े फ्राई करने जा रही हूँ। अच्छे से इसको फेंट लेना होता है दोस्तों, और कोई डालने की ज़रूरत नहीं, अपने आप अच्छे से गल जाता है, बिल्कुल सब्जी में डालो तो फूल जाता है देख। तो फिर ये जो है, मैं देखिए भजिया अपना निकाल रही हूँ, अरबी के पत्तों की भजिया मेरी बन रही है, भजिया या तो फिर पकौड़े बोल लीजिए, है ना। तो ये देखिए, मेरी सब्जी बनने की तैयारी पूरी हो गई। इधर जो है मेरा चावल जो है पक रहा है, क्योंकि 12 बजे बज गए थे ना, फिर मैंने इकट्ठे ही सारा चढ़ा दिया, मूंग की दाल सैलेड और दो चपाती मेरे हस्बैंड की, और मैं और मेरी बेटी खाएंगे इड़हर की सब्ज़ी। इसलिए मैं इड़हर बना रही हूँ, क्योंकि पहली बार हम बना रहे हैं ना इस सीज़न की। ज़्यादातर ये सब्ज़ियाँ अरबी के पत्ते वगैरह बरसात में ही मिलते हैं ना, तो मेरे घर में आई थी, मैं बना रही हूँ। ये देखिए, मेरी सब्ज़ी बन गई है, पकौड़े मेरे बन गए हैं, और सभी पकौड़ों को मैं साथ में छान लेती हूँ, फिर फ्राई वगैरह करूँगी। थी चावल पसा रही हूँ, हम लोग पसाया हुआ चावल खाते हैं दोस्तों, पानी निकाला हुआ जो बोलते हैं ना, वही मैं चावल ने पसा रही हूँ। तो ये वाला हल्का होता है चावल दोस्तों, तो हम लोग यही खाते हैं चावल, पानी निकाल करके ही खाते हैं। तो मेरा चावल भी बन गया, पसाया हुआ हो गया, और अब मैं जो है दाल छौंक रही हूँ। दाल में देखिए, मैं जीरा और हींग डाल करके दाल छौंक दूँगी, तो मेरी मूँग की दाल तैयार हो जाएगी। चावल और दाल मेरा बन गया है, बस मुझे सब्जी अब फ्राई करनी बची है। पकौड़े तो हो गए हैं, भजिया मतलब मेरे पूरे बन चुके हैं, लास्ट राउंड बन रहा है। तो देखिए, मेरे जो है ना खाना लगभग बन ही गया है। तो
और दोस्तों आप लोगों का क्या बन रहा है आप लोगों के यहाँ, और दोपहर का खाना सभी लोगों के यहाँ लगभग बन ही गया होगा। तो मेरा भी बन ही गया है लगभग, सब्जी एकदम बन ही गई है, मतलब भजिया पूरी बन कर रेडी हो गई। देखिए मैं कढ़ी छौंक रही हूँ, कढ़ी में जो है मैंने हींग डाला और क्या बोलते हैं राई डालूँगी और कढ़ी पत्ता और लाल मिर्च से छौंक दूँगी, और जो है बस इतना ही डालना है, ज़्यादा पीसा हुआ मसाला तो इस कढ़ी में पड़ता नहीं है। और टमाटर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और डेली वाले मसाले नमक हल्दी मिर्च धनिया जो होते हैं ना देसी मसाले डेली वाले वही डाल करके मैं अच्छे से भून दूँगी। और जो है मैंने दाल की चिट्ठी बचा ली थी थोड़ी सी, तो उसी में मट्ठे को मैंने फेंक दिया था, तो वही मैं छौंकूँगी उसी में। इसमें बेसन तो डालते नहीं ना, उसी से ही मैं इसी से छौंका जाता है। तो देखिए मेरे सारे मसाले डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ और अच्छे से थोड़ा मसाला भून लेती हूँ। मसाला एकदम तेज छोड़ दिया और देखिए मेरा मट्ठा दही, मतलब दही फेंकी हुई और थोड़ा सा लहन उसका उड़द की दाल पड़ी रखी थी ना मैंने बचा के, वही घोल करके और इसको मैंने छौंक दिया। मेरी कढ़ी जो है छौंक गई है और अब ये उबलेगी, थोड़ा सा उबाल आएगा उसके बाद फिर मैं नमक डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। हम लोगों के यहाँ बोलते हैं ना फट गई कढ़ी, तो अगर चलाती नहीं रहूँगी ना या नमक डाल देते हैं तो बोलते हैं फट जाएगी कढ़ी, तो वही मैं चला रही हूँ, एक उबाल आएगा तभी मैं नमक डालूँगी। देखिए मेरा कढ़ी उबलने ही वाली है, कितनी अच्छी दिख रही है दोस्तों मेरी कढ़ी, और बनी भी बहुत टेस्टी थी। देखिए मैं नमक डाली, उबल गई ना मेरी कढ़ी, और हम खाए थे जब उसके बाद बनने के बाद इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, मैं तो अभी भी खाऊंगी, मतलब दूसरे दिन भी खाऊंगी बच्ची की कढ़ी, क्योंकि इसको बोलते हैं ना बासी ही इधर अच्छा लगता है। तो मैं तो अपने लिए थोड़ी ज़्यादा बना, हम दो हैं तो ख़त्म भी नहीं होगा इतना, तो ये कढ़ी मैं कल भी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ये। ये देखिए मैं पकौड़े डाल रही हूँ इसमें, मेरी कढ़ी अच्छे से उबल गई है और पकौड़े डाल के मुश्किल से 2 मिनट ऐसे उबाल आएगा और पक जाएगी, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, तो गल जाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट पत्ते थे ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने 3 पकौड़े बचा लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि हम भी टेस्ट कर लेंगे ना कैसे बने हैं पकौड़े। देखिए वही मैं देख रही डालूँ कि नहीं डालूँ ऐसे हो रहा है ना, लेकिन फिर मैंने फाइनली नहीं डाला, उसको मैंने खाने के लिए रख लिया है। मेरी कढ़ी जो अच्छे से उबल रही है और उसके बाद मेरी कढ़ी देखिए पक चुकी है, 3-4 उबाल आने के बाद ना अच्छे से गल जाती है, इसको वैसे भी सॉफ्ट रहती है ना भैया, तो बहुत अच्छे से ये बन जाती है। मेरा सब्जी बन गया, दाल चावल तीनों चीज़ बन गया, मैं सुबह आलू का पराठा नाश्ता बनाई थी ना, उसमें से 2 पराठा रखा हुआ है, तो मैं इनके लिए ही खाली बनाऊँगी 2 रोटी। ये देखिए मेरी मूँग की दाल, साबुत खड़ी मूँग की दाल है दोस्तों, ये हमारे साहब के लिए है क्योंकि वो अभी इधर उधर का खाना नहीं खाते, तो हम लोग यही खाना खा खा के बोर हो गए थे, इसलिए हमने कढ़ी बना ली, माँ बेटी हम कढ़ी खाएंगे। तो मैं सलाद काटती हूँ जल्दी से क्योंकि 1 बज गया है ना। तीनों चीज़ें काट ली है, गाजर चुकंदर और
प्याज है और इनको तीनों को अच्छे से धो लिया है मैंने। और मेरा सैलेड काट लूँगी। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। कब मस्त लग रहा है। बहुत पकौड़ा, इसी पकौड़े की सब्जी भी बनाया। आइए आप लोग भी खा लीजिए अरबी के पत्ते कोई पकौड़े। मेरी रोटी जल रही है, मल्टीग्रेन आटा की रोटी। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा दोपहर का खाना बनकर रेडी हो गया है। ये मैं जा रही हूँ इनको देने के लिए, तो आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए हमारे घर दोपहर का। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को मैं यहीं रखती हूँ।